जीआईसी समदन में सेकंड प्रवेश परीक्षा हुई संपन्न। समदन कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। जीआईसी कॉलेज समदन में कक्षा 6 से 9 तक की द्वितीय चरण की प्रवेश परीक्षा का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी द्वारा विद्यालय के मुख्य द्वार पर अपने सहयोगी दशरथ यादव, राम नरेश एवं रश्मि राठौर के सहयोग से छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं के पास मोबाइल फोन पाए गए। उन सभी मोबाइलों को प्रधानाध्यापक के पास जमा कर दिए। आपको बता दें और बच्चों को हिदायत दी गई कि आगे से ऐसी दोबारा हरकत नहीं होनी चाहिए। चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि वह मोबाइल लेकर विद्यालय आएंगे तो उनके मोबाइल जब्त कर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। सोमवार की प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 में कुल 94 एवं कक्षा 9 में 54 छात्र छात्रा उपस्थित हुए। छात्र छात्राओं की भारी भीड़ को देखते हुए नगर पंचायत समदन टाउन एरिया कार्यालय द्वारा पानी पीने की व्यवस्था एवं साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी। किस जगह हैं आप? ये राजकीय इंटर कॉलेज समदन का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और हमारे पास चाइट का भी प्रभार है और एक अतिरिक्त जो है पंडित दीनदयाल मॉडल इंटर कॉलेज बिरौली का भी है। यहाँ पे हम लोग जो है ये संचालित, हमारा 1 अप्रैल से संचालित है। कौन सा कॉलेज है ये, कहाँ पर? राजकीय इंटर कॉलेज समदन। समदन का है। तो क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ अभी? तो प्रोग्राम ये है कि अभी हमारे यहाँ कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा जो द्वितीय चरण है वो आयोजित हो रहा है। तो प्रथम सत्र में हमारे कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा हो चुकी है संपन्न और द्वितीय चरण में कक्षा 9 की अभी जो है ये गतिमान है। प्रथम चरण में कितने बच्चे लिए आपने? प्रथम चरण में कक्षा जो हमारा मई में हुआ था 5 मई को, तो उसमें कक्षा 6 में शायद 77 बच्चे हैं और कक्षा 9 में 85। आज कितने बच्चे बैठे हैं? आज जो सीटें हमारे पास अवशेष है, अभी तक 100 सीटों की अनुमति थी लेकिन यहाँ के सांसद जी और विधायक मैडम ने वहाँ से बात की तो 120 सीटें का की अनुमति मिलने का अनुमान है। अभी पूर्णता नहीं है लेकिन 100 सीटें कन्फर्म है। 20 सीटों का थोड़ा सा यह है कि यहाँ की उसको देखते हुए, लोगों की मांग को, भारी मांग को देखते हुए, तो अधिकारियों से उन्होंने मांग की है तो उन्होंने 20 सीटें बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखा है। और कौन से क्लास में परीक्षा हुई है? कुछ दो ही क्लास केवल, अभी दो क्लास में। एडमिशन कितने क्लासों में हो रहे हैं? एडमिशन कक्षा 6 में होना है, 9 में और 11 में। 11 तो कक्षा 11 में भी उतनी मात्रा में फॉर्म नहीं आ पाए हमारे पास, तो कला और वाणिज्य, कला और विज्ञान वर्ग में उसमें प्रवेश की कार्रवाई होनी है लेकिन चूंकि फॉर्म नहीं आ पाए तो जो उसमें आएंगे फॉर्म वो मेरिट के क्रम में ही उसमें सीधे प्रवेश हो जाएंगे। और विद्यालय निरीक्षक जो हमारे राजेंद्र बाबू जी हैं उनका स्पष्ट आदेश है कि शासन के मंशा के अनुरूप जो ये विद्यालय खुला है 49 विद्यालय प्रदेश में नवनिर्मित माननीय मुख्यमंत्री जो जी द्वारा घोषणा अंतर्गत जो खुले हैं उनमें उच्च श्रेणी की स्तर की पढ़ाई की है लेकिन यहाँ समस्या ये आ रही है कि हम लोगों के पास अभी स्टाफ ज़्यादा नहीं है। हमारे जो एक दो तीन ही लोग हमें सहयोगी मिले हैं, बाकी हमारे ये ऑनरेडियम बेसिस जो होता है जिसे कहते हैं अपनी समाज सेवा के तौर पर हमको निःशुल्क रूप से सेवा प्रदान करने के लिए जुड़े हुए हैं। कब तक रहेंगे ये नहीं मालूम, जैसे ही आगे के लोग आते रहेंगे तो इनकी सेवाएं हम तब तक लेंगे जब तक हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं होगा। और नगर पंचायत से आपको सहयोग मिल रहा है? नगर पंचायत समदन जो ईओ मैडम और हमारे चेयरमैन साहब हैं तो जब जब उनसे सहयोग मांगा है, सफाई कर्मी भेजे उन्होंने, पानी की व्यवस्था करवाई है और ये जो आप देख रहे हैं इतना सब कुछ मेंटेनेंस ये उनका ही जो है किया हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई पर्याप्त संसाधन है नहीं, तो उनसे जब जब सहयोग मांगा सहयोग उनके द्वारा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।